बड़ी मूर्ति है ये भाई, आपका शाहपुर थाना की है, शाहपुर का ही है। 115 किलो की मूर्ति है। हाथ पे माता जी का पेंटिंग काम चल रहा है, तो हम लोग की वॉइस क्लियर नहीं होगी। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, होप करते हैं आप लोग बढ़िया हैं, बढ़िया रहना। स्वागत सभी लोगों का मेरे और नए ब्लॉग में। तो हम लोग आज का बहुत बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है, 9 दिन का माता जी का, और माता जी का आशीर्वाद है कि हम लोग यहाँ तक भी पहुँच गए। मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया यार, हम लोग जहाँ स्टार्ट किए थे वीडियोस बनाना नवरात्रि में, फिर आगे आगे चलते गए, चल सिलसिला चलता गया, और हम लोग यहाँ तक आ गए। मतलब 1 साल चैनल को हो गया हमारे, और आप लोग इतना प्यार सपोर्ट बना यार कि और चैनल आगे तक बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखें, और अब माता जी का आशीर्वाद है, बस चैनल आगे चलता जा रहा है। तो आज का वीडियो खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है कि गोरखपुर में माता जी की मूर्ति बनके तैयार हो गई है, और कई सारे लोग माता जी की मूर्ति लेकर अपने मोहल्ले में स्थापित भी कर रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं, आज बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ मूर्ति बन चुकी है और कहाँ कहाँ मतलब मूर्ति है, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो का यही मतलब एम रहेगा कि मैं जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ मैं चल के आप लोगों को मतलब बता सकूँ कहाँ कहाँ मूर्ति बन चुकी है, वहाँ देखा भी सकूँ। और आज पॉसिबल होगा कि हम लोग चलेंगे गुलेरिया थाने के पास, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मूर्ति बनती भी है और लोग कई सारा पसंद भी करते हैं वहाँ की मूर्ति। और हम लोगों ने जहाँ से मूर्ति बुक किया है वो आपका देवरिया बाईपास रोड वाले पे है, तो उधर आज जाना तो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी समय मतलब अपोजिट साइड पड़ जाएंगे एक तरह आप देखें तो। ये मतलब आपका इस साइड जो हम लोग जा रहे हैं गुलेरिया थाने का, तो एकदम उल्टा अपोजिट पड़ जाएगा, तो उधर जाना तो मुश्किल होगा। तो फिर कभी उधर चलेंगे, जब हम लोग माता जी का मूर्ति लाने चलेंगे उस दिन मैं आप लोगों को जाके मैं दिखा दूंगा कि बन चुका है, आप लोग जाके ले आ सकते हैं। और लोग ला भी रहे हैं, मतलब मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो मतलब रात में आता हूँ तो देखता हूँ कि मतलब कई लोग माता जी का मूर्ति ला भी रहे हैं। मतलब यार देख इतनी खुशी होती है ना, आप लोग पूछो मत, मतलब दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है। वहीं गाड़ी साइड में लगा कर तुरंत मतलब प्रणाम करता हूँ और एक दुआ मांग लेता हूँ माता जी से कि मतलब कब किस रूम में आकर कोई मतलब हमारी दुआओं को कबूल अता फरमा दे, तो ऊपर वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग, चल के मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। और वहाँ मूर्ति मतलब काफ़ी बन के तैयार भी हो गई, आई थिंक अराउंड सब कुछ तैयार हो गया होगा माता जी का मूर्ति वहाँ पे, मतलब अलग अलग डिज़ाइन में, पेंटिंग में, साड़ी फॉल मतलब साड़ी उड़ी पहना के तैयार कर देते हैं, तो तैयार भी हो गई मूर्ति। चलते हैं आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है यार कि मतलब 1 साल हमारे चैनल को कंप्लीट भी हो गए हैं, और माता जी का आशीर्वाद था, आप लोगों का इतना सारा प्यार था यार कि मतलब इतना ज़्यादा तक आगे बढ़ गए। और माता जी के आशीर्वाद से हमारे जो मतलब बहुत पुरानी एक विश थी वो विश भी पूरी हो गई थी, उसके बारे में आप लोगों को बताया भी था। और इस साल एक फिर एक मतलब ख्वाहिश है, अरमान है दिल में, वो फिर हम माता जी के चरणों में वो ख्वाहिश और अरमान रखेंगे, और माता जी फिर इस बार पूरी कर देंगी। मतलब जैसे होता है ना, एक माता जी अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो कोई भी चीज़ अगर मैं अपने माँ से भी मांगता हूँ या पापा से मांगता हूँ वो लोग मना नहीं करते, वैसे वो भी हैं यार, उनसे आप कोई भी सच्चे दिल से किसी चीज़ के लिए आप मांगिए वो मना नहीं करेंगे, वो आपको पूरा करेंगे। हाँ समय लगेगा, मेरे भी जो दुआ कबूल हुई तो उसमें भी समय लगे, 2-3 साल लग गए, लेकिन कबूल हुई, मतलब दुआ मतलब पूरी हुई हमारी। तो वैसे ही आप लोग कहता हूँ मैं कि मतलब सच्चे दिल से किसी को मांगो तो वो मिलता ज़रूर है, तो हम भी मांगे थे, हमको भी मिल गया था। तो अब चलते हैं यार, आप लोगों को मैं घुमाता हूँ, फिर आता हूँ, दिखाता हूँ अपने माता जी का मूर्ति। तो जहाँ से हम लोग मूर्ति बुक किए थे वहाँ हम लोग मंडे जाकर वहाँ से मूर्ति लाएंगे भी, तो उस दिन भी अलग मतलब धूमधाम से अपने माता जी को डीजी उजे बांध के पूरा मतलब भव्य तरीके से जो कहते हैं माता जी का मतलब अपने मोहल्ले में आगमन कराएंगे। और शाम को हो सके तो फिर जाऊँगा थोड़ा मोहल्ले में भी देखूँगा, मतलब जहाँ हम लोग मूर्ति बैठाते हैं अमित भैया के मोहल्ले में, वहाँ जाके देखूँगा कि टेंट वेंट का जो काम था, पंडाल का काम था, कहाँ तक पहुँच गया है, वो भी सब जाके मुझे देखना है। तो अब थोड़ा लेट नहीं करते हैं, हम लोग निकलते हैं, अब आप लोगों को भी दिखाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस चैनल पर नए हैं तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस दबा के इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। तो चलते हैं हम लोग, आप लोगों को मैं घुमाता हूँ, फिर आता हूँ, अपने माता जी का दर्शन कराता हूँ। हम लोग आ चुके हैं अब आपका मेडिकल कॉलेज वाले रोड पे, तो ये मेडिकल कॉलेज रोड है आपका, जो गोरखपुर से है वो लोग तो जानते ही होंगे, तो मेडिकल कॉलेज रोड भी अब बहुत बदल गया, जो पहले हुआ करता था मेडिकल कॉलेज रोड अब वो एकदम नहीं है। वो लगातार गाड़ी क्रॉस कर रही है, चाचा रुक जाइए, हमको जाने दीजिए पहले, बस थोड़ी दूर पे हम लोग चलेंगे,
आपका मेडिकल कॉलेज आएगा राइट हैंड साइड पे, उसके आगे ही आपका गुलेरिया थाना है। गुलेरिया थाना से अराउंड 10 to 20 meters आगे वहीं पे आपका है मूर्ति बनाने वाला, जो पिछले साल मैंने आया बुकिंग करा के गया था वहीं पे है। और इस वाला वीडियो तो आप लोग देखे ही थे, जो 4 lane वाला मैंने बताया था, इसका भी कार्य एकदम तेज़ी से चल रहा है। जिस दिन इसकी ओपनिंग हो जाएगी उस दिन इसकी भी वीडियो मैं बना के ज़रूर डाल दूँगा। अरे बाबू रॉन्ग साइड में इतने लोग चलने लगते हैं ना रॉन्ग साइड की, मैंने क्या कहा गया, इनने का कोई चलान भी नहीं करता है ऑटो वालों का, इतना रॉन्ग साइड ये लोग जाते हैं, पूछिए मैं। और मंडे को हाँ यार, और मंडे को हम लोग मैं हम हामिद भैया और बाकी जो मोहल्ले के बच्चे हैं हम भैया लोग हैं जा रहे हैं अपने माता जी को लाने, और बहुत उत्साह उमंग से लेकर आएंगे हम लोग इस बार भी। फिर वही डीजे वीजे पूरा बहान वहान कर अपने माता जी को टोचन पे लाद कर अब पूरा रास्ते डांस करते हुए एकदम मस्ती उमंग से एकदम लेकर आएंगे अपनी माता जी को। और इस बार फिर 9 दिन अपने माता जी के सेवा में हम लोग लगे रहेंगे, सेवा सत्कार करते रहेंगे अपने माता जी का हम लोग। एक मतलब एक यार जैसे कुछ लोग होते हैं नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, भाई तुम मुस्लिम होकर भी हिंदू वाला मतलब रीति रिवाज फॉलो करते हो, तो उन लोग से बस मैं यही कहना चाहूँगा भाई, तो मतलब तुम लोग तो कम से कम ना हिंदू मुस्लिम करो, पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है वो लोग उनकी बात है, अपना वोट बैलेंस के लिए करती है, तुम लोग तो ना करो, मतलब सब कोई तो एक ही है यार। हमने तो वैसे यही सीखा है कि सब लोग एक हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो सिख हो चाहे वो क्रिश्चियन हो कोई भी हो, मतलब हमने ने कभी ये नहीं मतलब ये दिमाग ख्याल में आया कि भाई ये हिंदू है तो इससे घृणा करनी चाहिए, ये मुस्लिम है तो इससे प्यार करना चाहिए, ये कभी नहीं भाई। ऊपर वाले ने सबको एक ही बना के भेजा था, यहाँ नीचे आके हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई में लोग बट गए, इसमें हम लोग की गलती नहीं ना, ना ऊपर वाले की गलती है, गलती तो इंसानों की थी जिसने बांट दिया था। तो बस यही कहना चाहूँगा भाई, आप उनके त्यौहार में शामिल हुई है वो आप लोग के त्यौहार में शामिल होंगे, और अगर कोई भी दिल में मलाम हो या क्या कहते हैं कोई भी मतलब कोई बात हो तो उसको बात करके सॉर्ट आउट करना चाहिए यार, मतलब दिल में नहीं रखना चाहिए। मेरे मेरे दिल में ऐसा कोई बात नहीं रहता, अगर मेरा चाहे हिंदू दोस्त हो चाहे मुस्लिम दोस्त हो मैं एकदम चिल मोड में रहता हूँ भाई, तुम अपने भगवान को एकदम अच्छा दर्जा दो, मैं अपने अल्लाह को दर्जा देता हूँ। और वो यहाँ तक मेरे हिंदू दोस्त हैं वो भी मेरे मतलब हर एक त्यौहार में आते हैं और मेरे मतलब साथ में निभा हम लोग मनाते भी हैं, और मेरा अजय दोस्त है उसी के यहाँ मैं छठ में जाता हूँ छठ मनाता हूँ, सब वहाँ तो हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं आता है लेकिन कुछ लोग होते हैं हिंदू मुस्लिम ज़रूर करते हैं, तो उन लोग की आदत है भाई जब तक कुछ कहेंगे नहीं जिनको खाना नहीं पचेगा तो उन लोग को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, जब तक हेटर्स लोग की जलेगी नहीं आप तरक्की कहाँ से करेंगे। वो सच ही कहा है ना, जब दो लोग तुम्हारी बात करना स्टार्ट कर दिए तो समझ जाओ तुम तरक्की करना शुरू कर दिए, तो वही बात है जब बुराई करने लगे लोग तो समझिए आप तरक्की कर रहे हैं, तो हम तरक्की तो कर ही रहे हैं, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है अल्लाह का भी आशीर्वाद है भाई, माता जी का आशीर्वाद है राम जी का आशीर्वाद है, सिख में सभी गुरुओं का आशीर्वाद है, क्रिश्चियन में भी जीसस क्राइस्ट का भी आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में मैं आज तक भी नहीं यार मैंने पढ़ा है ना मैंने कभी मतलब जाति धर्म से अपने दोस्तों को मतलब ऐसे बांटा हुआ है कभी नहीं, ना कभी आगे ज़िंदगी में मैं कभी ऐसे मतलब बांटूँगा, मिल मिला के रहना चाहिए सब, सब धर्म यही कहता है कि हमेशा मिल मिला के रहना चाहिए, सुख दुख में सबका साथ देना चाहिए, बस वही करना चाहिए और कुछ नहीं। तो बस आने वाला है गुलरिया थाना आपका, और ये रहा मेडिकल कॉलेज, बात बात करते मैं आगे बढ़ गया पता ही नहीं चला मेडिकल कॉलेज कब गुजर गया, तो यही है आपका पूरा मेडिकल कॉलेज आपका, ये मेडिकल कॉलेज रोड आगे बस गुलरिया थाना आने वाला है, और थाने से अराउंड 20 या 30 meters आगे ही है आपके राइट हैंड साइड पे वो पड़ता है वहाँ मूर्ति बनती है, और शाम का वक्त भी हो गया इसलिए रोड पे थोड़ा ज़्यादा चहल पहल है, शाम को लोग शॉपिंग वॉपिंग करने निकलते हैं इसलिए रोड पे ज़्यादा चहल पहल है।
और इस बार यार फिर मतलब इतनी खुशी, इतना उमंग है ना, मतलब से मतलब क्या कहूँ मैं। जैसे होता नहीं है कि मतलब एकदम आदमी खुश रहता है, कोई मतलब अगर जो प्यारी चीज़ हो आप लोगों को मिल जाए, मतलब काफ़ी दिन से इंतज़ार हो और उस चीज़ आप लोगों को मिल जाए तो कितनी खुशी होती है यार, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया। तो वही चीज़ है यार, मतलब काफ़ी दिनों से अपने माता जी को मतलब इंतज़ार कर रहा था, अब आएंगे अपने माता जी, उसके बाद उनकी मतलब 9 दिन उनके सेवा सत्कार में लगे रहेंगे और फिर अब अपने माता जी से कुछ मतलब विशेष मांगेंगे, वो विश पूरी होगी हमारी, आज नहीं तो कल पूरी होंगी। 1 साल लगे 2 साल लगे लेकिन पूरी तो ज़रूर होंगी, इतना तो मुझे कंफर्म है। टाइम लगता है लेकिन पूरा ज़रूर होता है, ये मुझे मालूम है यार। तो वही बात है यार, वही मतलब उत्साह उमंग एकदम अंदर एकदम जोश भरा हुआ है, अपने इस बार माता जी को लाना धूमधाम से सब कुछ मनाना है। तो बस चलते हैं, आप लोग थोड़ा दिखाते हैं और चल के दिखाते हैं कितनी मूर्तियां तैयार हो गई हैं, कितनी मूर्तियां लग भी गई हैं। और गोरखपुर में इधर फिर से मैं जिस तरह मैंने पिछले साल एक वीडियो डाला था, गोरखपुर में जितनी भी मतलब मूर्तियां लगी हुई थी उन सब का मैं वीडियोस बना के डालूंगा। तो वो भी इस बार भी सोचा हूँ कि इस बार मतलब ऑलमोस्ट पूरा गोरखपुर का मैं सोचा हूँ, पूरा गोरखपुर का मैं जितनी भी मतलब छोटी छोटी मूर्ति होंगी, बड़ी से बड़ी मूर्ति होंगी, उन सब का वीडियो मैं बना कर अपने चैनल पर ज़रूर डालूंगा। एक एक साथ ही डालूंगा, मतलब 20 से 25 या आधे घंटे का वो वीडियो रहेगा, लेकिन उस वीडियो में पूरा मतलब गोरखपुर की जितनी भी मूर्तियां रहेंगी वो सब कवर कर दूंगा मैं। वो ठीक रहेगा ना, मतलब वो सही रहेगा, लोगों को मतलब पता चलेगा यहाँ की ये मूर्ति थी। कुछ लोग नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो मेरा वीडियो देख के उन लोगों को लगेगा हाँ भाई चलो नहीं गए थे लेकिन मूर्ति तो देख ली है हम लोग, तो वो सही रहेगा। तो हम लोग आ चुके हैं, बस इस लेन पार करना और इस वाले लेन में आ जाना, यही वो जगह जहाँ मूर्ति हम लोग पिछली बार ले गए थे। देख रहे हैं मूर्ति बंद मिले जैसे, लगाते हैं गाड़ी साइड में और चलते हैं अंदर, मूर्ति देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये वाली मूर्ति चेक करें आप लोग, ये कितनी अच्छी लग रही है पिंक साड़ी में, और जो ऊपर फ्लावर्स लगे हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये भी मूर्ति बहुत अच्छी लग रही है, साड़ी पहन चुकी है माता जी अपनी। बहुत सारी मूर्तियाँ से इधर भी, ये वाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही, गोल्डन जो शेड्स आया है ये भी बहुत अच्छी लग रही है। घूमते हैं पहले, अरे वाह, मतलब एक से एक मूर्ति देखने को मिल रही है इस बार। इस वाले को चेक करें आप लोग, यहाँ देख सकते हैं आप लोग पूरा पेंटिंग का काम चल रहा है, हाथ पे माता जी का पेंटिंग काम चल रहा है। तो हम लोग की वॉइस क्लियर नहीं होगी लेकिन देख सकते हैं आप लोग, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ना, मतलब इतने ऊपर चढ़ के बनाना पड़ रहा है, मतलब पेंटिंग करना पड़ रहा है। बस कुछ दिनों में ही सब मूर्तियाँ यहाँ से चली जाएंगी, माता जी अपनी अपनी जगह विराजमान हो जाएंगी। और कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से लेकर और उतनी ऊपर तक अपनी माता जी की मूर्तियाँ हैं। तो चलते हैं अंदर, थोड़ा घूमते उमते हैं, आप लोगों को थोड़ा घुमाते हैं अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फील करके लग रहा है रियल में शेर है। ये सब मूर्ति जाने वाली है, ये सब मतलब एकदम तैयार हो गई है सब मूर्ति, और म्यान से सब मतलब कोई अपना मूर्ति ले जाने लगेगा। अरे आप लोग की मेहनत है और क्या, इतनी अच्छी अच्छी मूर्ति बना के रखे हैं आप लोग, बहुत सारी मूर्ति हर एक डिज़ाइन की आप लोग चाहेंगे, चाहे मतलब थोड़े छोटे में चाहिए या बड़े में चाहिए, मतलब यहाँ मूर्ति अवेलेबल रहती है। ये देखिए ये मूर्ति चेक करें आप लोग, मतलब ज़्यादा मेरी हाइट की है, 7-8 फुट की है, और मतलब कितनी अच्छी लग रही है, क्यूट सी ब्लू साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है। बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, इस वाली मूर्ति भी जिस तरह अपने भारत माता रहती हैं उस तरह मतलब बनाया गया है। और इधर चेक करें यार, मतलब क्या क्या कहें, ये मूर्ति देखिए कितनी ह्यूज है, मैं थोड़ा साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी बड़ी है, वो पूरा टच कर रही है, ऊपर तक पूरा टच कर रही है आपका। ये भी बहुत अच्छी है, फिर ये वाला भी बहुत अच्छी लग रही है, पर सब मूर्तियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं यार, कितनी क्यूट लग रही है अपनी माता जी,
देख कितनी क्यूट लग रही है। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, ये सेम है और वो वाला भी सेम है। हाँ जो उधर दिखाया था ये दोनों सेम है। ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छा है, सब अच्छी लग रही है अपनी माता जी। तो देख ही रहे हैं आप लोग कितनी अच्छी लग रही है अपनी माता जी। हर एक मूर्ति और हर एक फेस, मतलब स्ट्रक्चर अलग है, फेस अलग है, और मतलब जिस तरह आप चाहेंगे उस तरह मूर्ति मिल जाएगी आपके यहाँ पे। तो इसका मैं एक बार एड्रेस में बता दूँ, गुलहरिया थाना से आप कम से कम 20-25 मीटर आगे आएंगे तो वही राइट हैंड साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। रास्ता में तो बता ही दिया हूँ आप लोगों को, तो आके अगर बाय चांस कोई बुकिंग नहीं करा पाया, आके तुरंत मूर्ति अर्जेंट ज़रूरत है तो आके अपनी मूर्ति ले जा सकते हैं यहाँ पे। और मतलब यार, मतलब मूर्ति मतलब देख कर ही मतलब अलग फीलिंग आ रही है अंदर से, क्या है क्या नहीं है। और इस बार फिर अपने माता जी को अपने दरबार में, उनके दरबार में ले आकर रखा जाएगा। तो एक सिनेमैटिक शॉट्स मैं बनाता हूँ, छोटा वीडियो डालता हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए। आप बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा कैसा नहीं लगा। इस मूर्ति को देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है ये, और ये आपका शाहपुर थाना की है, शाहपुर का ही है, 115 किलो की मूर्ति है। और ये मतलब सबसे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ, देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है ये, देख रहे ये देखिए, मतलब कितनी ह्यूज है, कितना बड़ी मूर्ति है यार। मतलब मांग चलिए कम से कम 20-25 फुट की होंगी माता जी अपनी, और छोटा वाला भाई भी अपने साथ आया है। ये देखिए, ये चेक करिए कितनी बड़ी बड़ी मूर्ति है ना चौरामान, कितनी बड़ी बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति है। ये पूरा सेक्शन ही आपका बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों का है। यहाँ पूरा मतलब काम अभी चल ही रहा है, पेस्टिंग का काम चल रहा है आपका। इधर देखिए, वहाँ चले कि बस 2-4 दिन के अंदर इन लोग मूर्तियाँ मतलब बन भी जाएंगी और जहाँ जहाँ जाना होगा वहाँ चली भी जाएंगे। कितनी ये वाली खूबसूरत लग रही है, सब बंगाली लोग मनाते हैं मूर्ति यहाँ की। ये मूर्ति चक्री, ये पिंक वाली, ये भी कितनी क्यूट लग रही है माता जी अपनी। अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा इस साइड घूमते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये साइड तो दिखाई दिया, मतलब पूरा मतलब गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं और माता जी अपनी, शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं आई थिंक सो, और ये पता नहीं कौन है, मुझे नहीं मालूम भाई, उतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कितनी अच्छी लग रही है, ये अराउंड 15 फुट लंबा होगा और 15 फुट चौड़ा है ये वाली मूर्ति। ये भी बहुत अच्छी लग रही है बाई चांस, और इधर भी मैं दिखा दिया आप लोगों को। तो होप करते हैं ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने पीछे अपने माता जी हैं, उनका आशीर्वाद मैं ले रहा हूँ, आप लोग भी लीजिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए और आगे तक जाइए, आप लोगों की दुआ भी कबूल हो। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होप करते हैं हम लोग बढ़िया लगा होगा, अगर बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ये जो चैनल नीचे सब्सक्राइब का बटन है इस चैनल का तो दबा के फैमिली का हिस्सा बन दीजिएगा, और माता जी का आशीर्वाद लेते रहिए आप लोग। इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार करिए, और बस यही कहूँगा, जय माता दी।